How to access and modify the pixel value of images. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम images में pixel की values को access कर सकते हैं और modify कर सकते हैं. सबसे पहले हम import करेंगे OpenCV. और numpy. हमारे पास प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में मल्टीपल इमेजेस पड़े हुए हैं, जिनमें से एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है और एक आरजीबी इमेज है. सबसे पहले हम आरजीबी इमेज की वैल्यूज़ को रीड करेंगे, उनके पिक्सल वैल्यूज़ को. cv.imread एंड माई इमेज नेम इज किड्स लोगो डॉट png. अब मेरे पास इमेज वेरिएबल में इमेज लोड हो गया. इसके बाद मुझे पिक्सल की वैल्यू रीड करनी है. फॉर एग्जांपल, पिक्स एक वेरिएबल बनाया और हम इमेज के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देंगे और उस पर मौजूद पिक्सल्स की वैल्यूज को रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देती हूँ. फिफ्टी इज द एक्स एक्सिस वैल्यू एंड 60 इज द वाई एक्सिस वैल्यू. नाउ वी विल प्रिंट दिस वैल्यू इन ऑर्डर टू चेक के हमारे पास फिक्स वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ. आई विल रन दिस. So we have this value 253 253 and 253 at 50 60 location. अब हमारे पास एक अरे आई है जिसमें तीन वैल्यूज हैं. ये अरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एक कलर इमेज में तीन तरह के वैल्यूज होती हैं, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की. तो इट्स BGR वैल्यूज. फर्स्ट वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू कलर को, सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीन कलर को एंड थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है रेड कलर को. ठीक है, नाउ वी विल मॉडिफाई द पिक्सल वैल्यू. मैंने सेम पिक्सल लोकेशन इमेज की उठाई और मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया 253 253 253 से, फॉर एग्जांपल 220 224 and 210. फॉर एग्जांपल इट्स एन अरे सो वी विल पुट commas. अब हम प्रिंट करेंगे इमेज की सेम लोकेशन की वैल्यू टू चेक कि हमारी वैल्यू मॉडिफाई हुई है या नहीं. नाउ वी कैन सी दैट बिफोर मॉडिफाइंग द वैल्यू, जब हमने सिर्फ एक्सेस की थी तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 253 253 and 253 थी. इसके बाद जब हमने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया तब हमारे पास नई जो वैल्यू आई है वो 220 224 और 210 आई है. नाउ इफ़ आई वांट टू एक्सेस सम पर्टिकुलर कलर वैल्यू, जैसे कि मुझे सिर्फ ब्लू कलर की वैल्यू चाहिए, तो व्हाट विल आई डू. इमेज में पैटर्न BGR के रिस्पेक्ट से होता है, तो इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सेस ब्लू कलर वैल्यू तो मैं इसका इंडेक्स 0 रखूँगी.
Now we can see that कि हमारे पास 253 वैल्यू आ गई है, जो कि ब्लू कलर की वैल्यू है. ये हमने सिंपल अरे के तरीके से इसकी इंडेक्सिंग की और इसकी वैल्यूज को एक्सेस किया और मॉडिफाई किया. Now we will see how to do this for a black and white image. अगर हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो हमारे पास किस किस्म की पिक्सल वैल्यूज आएंगी और उन्हें किस तरह से मॉडिफाई करेंगे. I have already a black and white image in my directory, which is bw_image. And its extension is JPEG. Now I will access the same coordinates values to check के हमारे पास अब किस तरह से पिक्सल्स आते हैं. Hello.